गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पुनः क्लास 5 में मैथ के साथ मैं रवि प्रकाश प्रजापति। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 2 रोमन संख्यांक का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रोमन संख्यांक। डियर स्टूडेंट्स, अंकों को जिस भी प्रचलित भाषा में लिखा जाता है वह अंकों के लिखने की हिंदू अरबी पद्धति कहलाती है। उस अंकों को रोमन संख्यांक में लिखने के लिए मुख्य 7 संकेत दिए गए हैं। जैसे 1 को लिखना है तो 1 के लिए रोमन संख्यांक आई, 5 लिखना है तो 5 के लिए रोमन संख्यांक भी, 10 लिखना है तो 10 के लिए रोमन संख्यांक एक्स, 50 लिखना है तो 50 के लिए रोमन संख्यांक एल, 100 लिखना है तो 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए यानी 1000 के लिए एम। ये मेन 7 रोमन संख्यांक हैं, यानी 1 के लिए आई, 5 के लिए भी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। इन्हीं 7 के माध्यम से हम कोई भी हिंदू अरबी संख्यांक को हम रोमन संख्यांक में लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, रोमन संख्यांक लिखते समय किसी भी रोमन संख्या को जितनी बार लिखेंगे उसका मान उतनी ही बार ही जोड़ा जाएगा। फिर यदि रोमन संख्यांक के दाहिने साइड जितना भी रोमन संख्यांक छोटे मान वाले लिखे जाते हैं उसका मान उसमें जुड़ता चला जाता है, लेकिन वहीं रोमन संख्यांक बड़ा मान के बाईं ओर यदि कोई भी छोटा मान वाला रोमन संख्यांक लिखा जाता है तो उसका मान माइनस हो जाता है। तो ये है हमारा रोमन संख्यांक लिखने की कुछ विशेष नियम। फिर इसके बाद आता है कि किसी भी रोमन संख्यांक के ऊपर यदि डैश लगा हुआ है, जैसे यदि आपको 5000 लिखना है, 5000 लिखना है तो 5000 के लिए, तो सबसे पहले हम 5 के लिए भी लिखते हैं और भी के ऊपर यदि ऐसे रेखा यानी डैश लगा हुआ है तो इसका मान 1000 गुना हो जाता है, यानी उसमें भी से 5 होता है और ये चिन्ह लग जाने से यानी रोमन संख्या के ऊपर चिन्ह छोटा रेखा लग जाने से इसका मान 1000 गुना या 1000 से गुणा कर देते हैं। तो ये है हमारे रोमन संख्यांक के कुछ विशेष नियम। आइए अब हम एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित हिंदू अरबी संख्यांकों को रोमन संकेतांकों में परिवर्तित कीजिए। यानी यहाँ पे हिंदू अरबी संख्यांक यानी 1, 2, 3 ऐसे ये जो भी दिया हुआ है वो हिंदू अरबी संख्यांक है, उसी को हमको रोमन संकेतांकों में परिवर्तित करना है। तो रोमन संख्यांकों में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले 33 है तो 33 30 और 3 जोड़ने से होता है, तो 30 और 3, तो 30 हम कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि 10 के लिए x लिखा जाता है, 10 के लिए x, तो यदि एक x लिखते हैं तो 10 हो गया। फिर
एक एक्स लिखते हैं तो 20 हो गया, फिर एक एक्स और लिखते हैं तो 30 हो गया, यानी एक एक्स से 10 होता है, तो एक एक्स से 10, दूसरे एक्स से 10 और तीसरे एक्स से 10, फिर 10 10 10 यानी 30 हो गया। हमको लिखना है 33, तो 30 में 3 और जोड़ना पड़ेगा, तो 3 के लिए एक को हम आई लिखते हैं, यानी 3 बार आई लिख दे, एक दो तीन, यही हमारा रोमन संकेतांक हो जाएगा। 33 का रोमन संकेतांक एक्स 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 आई आई आई। अब इसको हम देख भी सकते हैं कि हमारा लिखा गया रोमन संकेतांक सही है या नहीं, तो देख लीजिए, एक एक्स से 10 होता है, तो 10 प्लस इस एक्स से भी 10, फिर तीसरे एक्स से भी 10, फिर आई से एक होता है तो एक, फिर दूसरे आई से भी एक और तीसरे आई से भी एक, इसकल टू, तो 10 10 20 10 30 31 32 33, ये आपका कुल मान 33 हो जा रहा है। इस प्रकार लिखा गया हमारा रोमन संकेतांक सही है। हाँ, किसी भी रोमन संकेतांक को हम मैक्सिमम 3 बार दोहरा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3 बार, एक एक्स दो एक्स तीन एक्स, और यहाँ पर भी एक आई दो आई और तीन आई, ये हो जाएगा हमारा रोमन संकेतांक। फिर ऐसे ही 67 आपको लिखना है, 67 को, तो 67 के लिए हम यहाँ पे देखें कि एल से 50 होता है, एल से 50 होता है, तो इसलिए एल अगर लिख दिए तो एल से 50 हो गया। अब 50 के बाद अभी 17 और चाहिए, तब जाके 67 होगा, तो 17 चाहिए, तो 17 के लिए पहले हम 10 जोड़ते हैं, तो 10 के लिए एक्स, ये हो गया आपका एल से 50 और एक्स से 10, यानी 50 और 10 60 हो गया। अभी 67 लिखना है, यानी 7 और चाहिए, 7 और चाहिए, तो 7 के लिए चूंकि भी से 5 होता है, तो भी से 5, ये हो गया आपका 50 10 60 5 65, 2 और चाहिए, यानी 2 आई लगा दें, एक आई से एक, तो 2 आई से 2 हो जाएगा, एक आई 2 आई। अब यहाँ पे देख सकते हैं एल से 50, एक्स से 10 60, फिर भी से 5 और 2 आई, एक आई प्लस एक आई इजकल टू 67। फिर ऐसे तीसरा है 106, 106 को हमको रोमन संकेतांक में लिखना है, तो 100 के लिए सी होता है, तो सी और 6 और लिखना है, तो 5 में एक जोड़ दें, तो भी से 5 होता है और आई से एक हो जाता है, यानी 106 का रोमन संकेतांक सी भी आई। फिर ऐसे 771 को भी आपको रोमन संकेतांक में लिखना है, तो 700 के लिए चूंकि डी से 500 होता है, डी से 500, तो डी, फिर सी से 100 होता है, तो 500 एक 600, फिर सी से 100 होगा, तो ये 700 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद 71 लिखना है, तो 71 के लिए एल से 50, फिर 21 अभी चाहिए, तो एक एक्स से 10 और दूसरे एक्स से
10 यानी 20 हो गया, और एक और चाहिए तो एक के लिए आई, यानी 771 का रोमन संकेतांक डी सी सी एल एक्स एक्स और आई। फिर ऐसे 1280 को भी लिखना है, तो 1280 के लिए तो 1000 से चूंकि 1000 के लिए रोमन संकेतांक यम है इसलिए एम, फिर 200 सी से 100 होता है तो 2 सी का मतलब 200 यानी 1000, 1 सी से 100 और 1 सी से 100 यानी 1000 में 200 जोड़ेंगे 1200 हो जाएगा। फिर इसके बाद 80 अभी और लिखना है तो यल से 50 होगा तो 50, 30 और चाहिए तो 3x, 1x 2x और 3x यानी 1280 का रोमन संकेतांक एम सी सी एल एक्स एक्स और एक्स। फिर ऐसे लास्ट 8223 को भी रोमन संकेतांक में लिखना है, तो 8000, तो 8000 के लिए हम एम को 8 बार नहीं लिखेंगे, यानी 1000 1000 1000 ऐसे करके नहीं लिखेंगे। 8000 के लिए चूंकि भी से 5 होता है और आई से 1, तो 3 आई से 3 यानी 5 और 3 8, 8 लिख लिए। 8 के ऊपर ये पाई लगा देंगे, रेखा खींच देंगे ऊपर, तो 8 के ऊपर ही हमने रेखा खींचा है इसलिए जिसके भी ऊपर रेखा खींचा जाएगा उसका मान 1000 गुना हो जाएगा, यानी उसमें 1000 से गुणा कर देंगे। तो केवल 8 के ऊपर ही चिन्ह लगाया गया है इसलिए 8 में 1000 से गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो ये 8000 हो गया। अब 230 और लिखना है, तो 200 के लिए 1 सी और 1 सी यानी 2 सी से 200, और फिर 23 और लिखना है, तो 23 के लिए 20 और 3, तो 20 के लिए 1x से 10, 1x से 10 यानी 2x से 20 हो गया, और 3 और लिखना है तो 1 आई 2 आई और 3 आई। इस प्रकार 8223 का रोमन संकेतांक भी आई 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 उसके ऊपर रेखा, फिर सी सी एक्स एक्स आई आई आई, यह हमारा रोमन संकेतांक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोमन संकेतांकों को हिंदू अरबी संख्यांकों में परिवर्तित कीजिए। मीन्स यहाँ पे रोमन अंकों में दिया हुआ है उसको हमको हिंदू अरबी अंकों में यानी 1 2 में ऐसे कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। पहला एक्स एक्स आई आई, अब इसको हमको हिंदू अरबी अंकों में लिखना है, तो एक्स से 10 होता है 10, फिर 1x और है तो प्लस 10, और आई से 1 होता है तो 1 प्लस 1 आई और है तो प्लस 1। अब इसको जोड़ दें तो 10 10 20 20 21 और 22 यानी हो जाएगा 22 यानी एक्स एक्स आई आई का हिंदू अरबी अंक 22 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है एक्स एल, एक्स और एल, तो यदि किसी भी बड़े रोमन अंक के बाईं ओर यदि छोटे अंक का रोमन अंक है तो उसको घटा दिया जाता है। तो हम देखें यहाँ पे कि एल से क्या होता है 50, एल से 50
50 और एल से पहले यक्स है, यानी एल से 50 ये बड़ा मान है और यक्स से 10 होता है यानी छोटा मान है। यदि बड़े मान के पहले बाईं ओर कोई भी छोटा मान का रोमन अंक है तो उसको बड़े मान में से घटा दिया जाता है। तो चूंकि एल से 50 और उसके पहले बाईं ओर एक्स है, छोटा मान है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 10 माइनस होगा तो इसका मान हो जाएगा 40। यानी एक्स एल को हिंदू अरबी अंक 40 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा है सी एक्स 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 आई भी। तो सी से 100 होता है, 100 फिर प्लस एक एक्स से 10, तो 3 एक्स है, तो 3 बार 10 10 को प्लस कर दें, 10 10 प्लस 10। फिर उसके बाद आई भी, तो यहां पर भी आई छोटा मान है और भी बड़ा मान है, इसलिए प्लस बड़े मान में से छोटे मान को घटा दें तो भी से 5 होता है, 5 माइनस आई से 1। अब जोड़ लें तो 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1, तो 100, 110, 120, 130 और 5 में से 4 बचेगा, यानी कुल हो जाएगा 134। सी से 100 और 1 एक्स से 10, तो 3 एक्स है तो 30, यानी 130 और आई भी से 4 होता है, इसलिए हो जाएगा कुल 134। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है एम डी एक्स एक्स आई एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एम से 1000 होता है, तो 1000 और डी से 500, तो 1000 प्लस 500 1500, 1500, फिर 1 एक्स और 1 एक्स, यानी 2 एक्स है, तो 1 एक्स से 10, तो 2 एक्स से 20, तो 1000 प्लस 500 1500, 2 एक्स है, 2 एक्स का मतलब 20, 1520, और एक्स के बाईं ओर आई है, तो एक्स से 10 होता है और उसके बाईं ओर छोटा मान है तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो कुल हो जाएगा 1000 प्लस 500 1500, 2 एक्स से 20 1520, और 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 1529। यानी इसका हिंदू अरबी अंक 1529 हो जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एल भी। इसके ऊपर रेखा डैश दिया हुआ है, फिर सी भी आई इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस भी रोमन अंक के ऊपर रेखा खींची हुई हो तो उसका मान 1000 गुना हो जाता है, यानी उसमें 1000 का हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे एल से 50 होता है, एल से बाईं ओर एक्स है, तो 50 में से 10 माइनस हो जाएगा, यानी 50 में से 10 माइनस होगा तो 40, और भी से 5 होता है यानी 45। अब 45 के ऊपर रेखा यानी डैश लगा हुआ है, तो इसका मान 1000 गुना यानी 45000 हो जाएगा, तो 45000, और सी से 100 होता है तो 45100, और भी आई से 6 होता है 6, इसलिए मान हो जाएगा 45106। ऐसे ही नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन एक्स सी, उसके ऊपर डैश यानी बार, फिर सी एम एक्स सी आई एक्स।
इसका भी हिंदू अरबी अंक, तो एक्स और सी, तो सी से 100 होता है, तो 100 के पहले यानी सी के पहले एक्स है, तो एक्स का मतलब 10, यानी 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। 90 में 1000 का गुणा करेंगे 90,000 हो जाएगा, 90,000। फिर यम से, चूंकि 1000 होता है और यम के बाईं ओर छोटा मान यानी सी से 100, तो 1000 में से 100 माइनस हो जाएगा 900। फिर यहाँ पर भी सी से 100 होता है, सी के पहले बाईं ओर एक्स है, यानी 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक्स के पहले बाईं ओर आई है यानी छोटा मान है, तो ये माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, 9 बचेगा। तो ये कुल हो जाएगा आपका ये 90,000, फिर ये 900, और ये 100 में से 10 90, और ये 10 में से 1 9, यानी 90,000, 900, ये 90 और 9 99, यानी 90,999। इसी प्रकार हम रोमन संकेतांकों को हिंदू अरबी संकेतांकों में परिवर्तित करते हैं। थैंक यू।